पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं को भाजपा में दायित्व दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी दायित्व मिलने के बाद लगातार स्वागत कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इस अवसर पर रामगंगा बिहार निवासी भाजपा की सेक्टर संयोजिका वनीता मल्होत्रा के आवास पर भाजपा की महिला पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनी प्रिया अग्रवाल, महानगर महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनी विजय लक्ष्मी पंडित का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र नाथ मिश्रा रहे, तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेत्री मदालसा शर्मा भी मौजूद रही। इस अवसर पर फूल मालाएं पहनाकर और शॉल उड़ाकर सभी का सम्मान किया गया। उन्हें नवीन दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी गयी। इस अवसर पर सभी ने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ 2022 का लक्ष्य हमारे सामने है और हमें उस लक्ष्य को भेदना होगा। इसीलिए सभी को एक साथ मिलकर काम करना है और भाजपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें बताना है कि सरकार के द्वारा जनता के हित में जो कार्य किए गए हैं वो किसी अन्य सरकार के द्वारा नहीं किए गए। आज हमारे यहाँ श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, जो भाजपा मुरादाबाद की भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी है, उनका स्वागत समारोह था। यहाँ पे महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रिया जी थी, हमारे महानगर के अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी और हमारे मंडल के रामगढ़ बिहार के अध्यक्ष अभिषेक भट्टागर जी और रामगंगा बिहार की प्रभारी श्रीमती मदालसा शर्मा जी। भाजपा इस वक्त महिलाओं को बहुत सम्मान दे रहे हैं, उनको बहुत हम लोगों के लिए कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और अहदे भी दिए जा रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, बहुत सम्मान है, सब सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी महिलाओं को लेकर बहुत सम्मान करती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।